हेलो फ्रेंड, टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो है मेरा इप्सन का प्रिंटर है, इप्सन का L360 प्रिंटर। इस प्रिंटर में बहुत सारा लाइनें आ रही है। तो दोस्तों, आपके पास भी इप्सन का प्रिंटर है, आपके प्रिंटर में भी लाइनें आ रही है, तो आपके लिए दोस्तों इस वीडियो है। दोस्तों देखिए, पूरे वीडियो आपकी भी प्रॉब्लम आप सिंपल सा 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों देखिए, मैंने अभी सबसे पहले एक कॉपी किया, एक पेपर देखे मैंने कॉपी किया। देखिए दोस्तों, मेरा प्रिंटर का प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों, मेरा प्रिंटर में दोस्तों देखिए बहुत सारा लाइनें आ रही है और ज़्यादातर लिखा नहीं है, तो ऐसे कॉपी तो नहीं चलेगा। तो इसलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, हम आपको दिखा दें सिंपल सा प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस जो है हम आपको दिखा देते हैं, फर्स्ट आपको क्या करना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों, जो स्टॉप स्विच है, स्टॉप स्विच को 5 सेकेंड आपको 5 से 7 सेकेंड आपको दबा के रखना है। और देखिए, ऑन ऑफ जो स्विच है वो अभी चल रहा है, ठीक है, ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इस टाइम आपको 2 मिनट प्रिंटर आपको घूमेगा और आपको प्रिंटर में हेड क्लीन होगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा वीडियो को काट दिया है, देखिए मेरा अभी प्रिंटर रेडी है। अभी मैंने एक कॉपी करके दिखा देती हूँ आपको। आपको हेड क्लीन करने से आपको प्रिंटर में काली ठीक ठाक आएगा और आपको जो ऑन होने का जो लाइट है वो आपको सिंपल सा रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो हेड क्लीन करने से मेरा जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम मेरा अभी सॉल्व हो गया है। देखिए दोस्तों, सिंपल सा पहले आपको प्रिंटर फास्ट प्रोसेस है, आपको हेड क्लीन करना। तो दोस्तों चलिए, मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।